कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे स्टेशन वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शिव शंकर सोनी पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद सोनी मूलता ग्राम बनकटवा पोस्ट बगहा थाना बगहा जनपद पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार हाल पता महादेव झारखंडी भैरवपुर चौराहा वीर बहादुरपुरम थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पति के साथ काम करने वाले शिव शंकर सोनी से जान पहचान होने के बाद वादिनी अपने पति को छोड़कर शिव शंकर सोनी के साथ रहने लगी। दोनों से एक बच्चा भी हुआ, परंतु उसके बाद भी अभियुक्त वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर आनाकानी करता रहा। बाद में शिव शंकर सोनी किसी दूसरी लड़की से सगाई कर लिया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वादिनी का पति जय सिंह मेरे साथ IRCTC गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर काम करता था। मोबाइल के माध्यम से हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी, हम दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। इसी बीच वादिनी का पति जय सिंह विदेश चला गया, हम लोगों के बीच मिलना जुलना शुरू हो गया। बाद में हम लोग साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे, हम लोगों का एक लड़का भी है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव शामिल रहे।